The equations of displacement of two waves are given by this is wave one and this is the second wave. ये equation भी देखी देखी लग रही है. हमने equation पहले solve किया है जिसमें हमने sin a और cos a का थोड़ा सा solution किया था. तो यहाँ पे भी आपको trigonometry लगानी है. sin a cos b यहाँ पे 3π t तो है sin a के साथ. हम चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो cos b का काम कर दे और यहाँ पे cos a जो लिखा है उसके साथ कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो sin b का काम कर दे, है ना. बट लकीली वी हैव अ रूट थ्री हेयर. तो अब देखो मेरे को क्लियरली दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई मतलब 2 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करता हूँ तो ये 1/2 काम आ जाएगा, क्योंकि 1/2 जो है वो cos b की वैल्यू ले लेगा फॉर cos ऑफ 60 डिग्री. एंड जब 1/2 यहाँ रूट थ्री के साथ जाएगा तो यहाँ पे ये दोनों मिलके √3/2 sin 60 बना देंगे, है ना. तो इस इक्वेशन को मैं लिख पाऊँगा 2 into sin of 3π t + 60 डिग्री, ठीक है. बाहर एक 5 ये वाला जो है मैं वापस पुट कर देता हूँ एंड बेसिकली आपकी y1 की इक्वेशन बन जाएगी 10 sin 3π t + π/3, ठीक है जी. आपका एम्पलीट्यूड आ गया 10, यहाँ पे भी एम्पलीट्यूड 10 पूछा क्या था, रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड्स, दैट्स गोइंग टू बी 1:1. ऑलराइट,